रहीम। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म तंजीम जो रियल एस्टेट की है उसका नाम है इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, जिसके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 8 से 10 हजार रियल एस्टेट एजेंट्स जुड़े हुए हैं। तो उस तंजीम से मेरा तल्लक है और इस मौका पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि सारा दिन हमें लोग बुलाते हैं, किसी सोसाइटीज का इनॉग्रेशन है, किसी सोसाइटी की ब्रीफिंग है, किसी सोसाइटी की साइट पे जाना है, तो जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स भाई हैं, जो हमारी ताकत है, जो हमारी जान है, वो हमें मजबूर करते हैं, हम उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन ये आज बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आप के ऊपर तो हमें खुशी होती है, लेकिन ज्यादातर शर्मिंदगी ही उठानी पड़ती है। शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ती है? एक जगह को हमार किया होता है, उसके ऊपर एक खूबसूरत कुरोपी सजाई होती है और सैर अली भगा होता है और वो बता रहे होते हैं कि ये रोड बनेगा, ये गली बनेगी, ये प्लाजा बनेगा, ये चीज बनेगी। हम भी खुश होते हैं, हम भी तारीफ कर देते हैं। कुछ ही अरसे बाद लोगों के गिले शिकवे आना शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है चौधरी साहब आप गए थे, आपको देखा, आपने स्पीच की, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर गए, साल हो गए हैं कोई चीज नहीं है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 10 साल गुजर जाते हैं, वहां पे ब्लेड भी नहीं लगते। लेकिन मुझे फख्र है अपनी टीम पे भी कि जिन्होंने एतमाद किया, जिसमें इस्लामाबाद से मेरे छोटे भाई स्टेट 166 से चौधरी अख्तर अब्बास, होम की से राजा शफकत और पिंडी से मेरा भाई इस्माइल प्रॉपर्टी नामा सरदार शवेश टॉपटन मार्केटिंग, इनकी बात पे हमने भरोसा किया और उस भरोसे को आज जो मैंने देखा है वो मुकम्मल किया मलिक बिलाल और जनूर मसूर और उसकी पूरी टीम ने। यकीन करें यहां पे आके दिल खुश हो गया। चौधरी अख्तर बाज और शफकत साहब अगर मेरे पास आ जाए तो अच्छी बात है। यकीन करें यहां पे आके दिल खुश हो गया। मैंने अपना एक प्रोजेक्ट 2 कनाल पे 10 स्टोरी बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग 18 महीने में तैयार की, तो दोस्त मुझे कहते हैं चौधरी साहब आपने कमाल कर दिया, 18 महीने में बिल्डिंग बना के डिलीवर कर दी है। लेकिन आज वो मेरा कमाल बड़ा छोटा लगना शुरू हो गया। जरूर साहब 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी लैंड को डेवलप करके डिलीवर करना, वो यकीन करें एक ख्वाब है, लेकिन वो हकीकत नजर आ रहा है, वो ख्वाब नहीं रहा। मैं नहीं समझता जरूर साहब, मैं नहीं समझता कि ये जो डेवलपमेंट है ये आपकी टीम ने की है। लगता है कोई जिन हजरात इनके पास हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन आज जो मैंने देखा है और सुबह शाम ये मेरे दो भाई, मैं फोन करता हूँ चौधरी साहब किसी जगह पे जाना है, चॉइस ऑफ न्यू मेट्रो सिटी खाना खाना है, चॉइस ऑफ न्यू मेट्रो सिटी, जब फोन करो फेसबुक था न्यू मेट्रो सिटी, व्हाट्सएप था न्यू मेट्रो सिटी। मैं कह यार पहले जिरगे कर करके थके हैं, मैं तुहाडे जिरगे नहीं कर सकता। खैर ते आ लोगों नु फसाई जांदे हो, पैसे लवाई जांदे हो, वेखियो जे कोई जिरगा ना करा दियो जे। लेकिन मुझे फखर है इन भाइयों पे, मुझे गुजर खा के जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उन पे फखर है, मुझे जो पिंडी के रियल एस्टेट एजेंट हैं उन पे फखर है, इस्लामाबाद की पूरी टीम पे फखर है कि उन्होंने लोगों के पैसे को ऐसी जगह पे लगवाया है जहां पे उनका जो ख्वाब था, फाइल्स नहीं, कागज नहीं, उनका जो ख्वाब
वो मुकम्मल किया, वो वहां पे घर बनाएंगे, अपने ख्वाब को हकीकत में बदलेंगे। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनकी इन्वेस्टमेंट कई गुना हो गई। अभी मैं आ रहा था, मुझे बता रहे थे कि ये पट्टी कमर्शियल की, क्योंकि मुझे कमर्शियल से बड़ा प्यार है, खुद भी छोटा मोटा बिल्डर हूँ। मैंने आते ही कहा, एक दोस्त का फोन आगे कहता, चौधरी साहब न्यू मेट्रो सिटी जा रहे हो, मेरी भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैं कहूँ यार, है जो पहले 8 मरले के प्लाट ने, तेरा प्लाट है? कहते जी चौधरी साहब मेरा प्लाट है। मैं कहा बहुत अच्छा यार, इतने मेरा क्यों नहीं? तो आगे पता चला कि नहीं, यहाँ पे जिन जिन लोगों का पैसा लगा है, उनकी जिन जिन इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की है, उनकी इन्वेस्टमेंट डबल हुई, लोगों की फाइलों को इन्होंने 6 महीने में हकीकत में बदल दिया। तो मैं सलूट करता हूँ मलक बिलाल साहब को, जरूर मसूद साहब को, उनकी पूरी टीम को मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूँ कि उन्होंने वाकई जो कहा वो करके दिखाया। लोग बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आपने बातें नहीं की, आपने हकीकत में बदला है। दूसरी बात जरूर साहब, ये मैं जरूर कहूंगा क्योंकि मेरे शोबे की बात है, आपने कोई कराची से बुलाए, कोई टीम बुलाई, बड़े बड़े जिन मिलाए, अपने आइडियाज दिए, लेकिन इन आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा आपको मेरी टीम ने दिया, मेरे रियल एस्टेट एजेंट्स ने दिया, और मैं तवक्को करूंगा कि वो आपके साथ मुखलस रहेंगे। और आप तो मैं, मुझे ये सारा दिन बताते रहते हैं कि आप इनका बड़ा ख्याल रखते हैं। इंशाल्लाह इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन, उनके तमाम डीलर्स, मेट्रो सिटी गुजर खां के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया।